वेलकम बैक गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि किस तरह आप गिटहब को यूज़ करते हैं और किस तरह गिटहब पे फाइल आप अपलोड करते हैं और गिटहब की मदद से आप किस तरह अपनी वेबसाइट को लाइव भी कर सकते हैं। मगर उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि लाइव होने के लिए आपका जो वेबसाइट है तो वो स्टैटिक होना चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट यहाँ पर अपलोड हो जाती है, बट उसको लाइव नहीं किया जा सकता है। खाली स्टैटिक वेबसाइट को लाइव किया जा सकता है, तो वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गिटहब को यूज़ करने के लिए पहले आपको गिटहब, ये जो है इसका गिट है, ये जो गिट है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इजी है डाउनलोड करना, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इजी है, खाली उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए गिटहब पर। जैसे ये मेरा अकाउंट है गिटहब पर, फारूक वन करके है गिटहब। आप डालोगे github.com/farookone/, तो आपको ये मिल जाएगा मेरा अकाउंट। हाँ, यहाँ पर जो भी मैंने प्रोजेक्ट अपलोड किया है वहाँ आपको, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सेकंड हो गया। गिटहब पे अकाउंट मतलब इजीली आप जीमेल के थ्रू भी कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये सब इजीली हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ आपके पास रिक्वायरमेंट है, बस आपके पास अकाउंट होना चाहिए और गिट और एक गिट होना चाहिए। हाँ, तो आते हैं उसके बाद। मेरे को गिटहब पे मेरी मतलब जो फाइल्स वगैरह है वो अपलोड करना है, तो किस तरह फाइल अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आके। फिर यहाँ पर आके आपको एक क्लिक करना है, जैसे रिपोजिटरी नेम दे, जैसे लाइक फोल्डर का नाम देते हैं उसी तरह यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम देगा। तो मैं देता हूँ MFS वेबसाइट, इतना खाली दे देता हूँ MFS वेबसाइट। और इसको यहाँ पर पब्लिक करके रखना है। डिस्क्रिप्शन आपको देना है, दे सकते हो, नहीं देगो फिर भी चलेगा। जस्ट लाइक मैं देता हूँ वेबसाइट टेस्टिंग, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप नहीं दोगे फिर भी चलेगा। एक्चुअली ये ऑप्शनल है, वेबसाइट की स्पेलिंग रॉन्ग होगी। हाँ, तो ये ऑप्शनल है। हाँ, फिर उसके बाद पब्लिक रखना है। पब्लिक रखोगे तो मतलब कोई भी आपका, अगर पर्सनल है आपका, अगर कुछ आपका पर्सनल फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसको प्राइवेट रखो, या फिर किसी को आपको दिखाना है या फिर कोई और भी डाउनलोड कर सके, तो इसलिए आप पब्लिक रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एड रीडमी फाइल होती है, जैसे लाइक किसी सॉफ्टवेयर है तो उसका एक रीडमी फाइल होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप वो उसको किस तरह मतलब इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं, तो वो रीडमी फाइल होती है। वो नहीं भी करोगे, अब नहीं क्लिक करोगे फिर भी चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट करना है, तो आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। हाँ, ये कमांड है, बेसिक सी कमांड है जो आपको गिट की मदद से रन करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपने फोल्डर पे। अब मेरे को ये एक फाइल है जो मेरे को अपलोड करना है, ये मेरे को फाइल है जो मेरे को ये अपलोड करना है गिटहब पर। अभी देख लो गिटहब पे मैं वापस आता हूँ, तो क्या लिखा है MFS वेबसाइट, वरना आप बोलोगे ये मतलब डायरेक्ट तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से, MFS वेबसाइट है यहाँ पर, मैंने कहाँ गया, हाँ ये रिपोजिटरी है मेरी। तो ये रिपोजिटरी में जो मैंने अभी MFS बनाया है वो MFS वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। हाँ, तो MFS वेबसाइट है, यहाँ पर क्लिक करना है, सेम है। हाँ, सेम है, इतना कुछ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि कहाँ पर रहेगा वो, रिपोजिटरी में रहेगा मेन। हाँ, फिर उसके बाद ये जो कमांड है आपको इस कमांड को रन करना है। इसके दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट ये गिट की मदद से होता है, गिट बैश है और गिट GUI है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कोई से भी मतलब फाइल या फोल्डर या कुछ भी अपलोड करना है ना, तो सिंपल था है, आपको उस फोल्डर में आना है, उस फाइल में आना है जो भी आपको करना है, उस पर खाली आके राइट क्लिक करना है। जैसे आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, तो इंस्टॉल होने के बाद ये दो जो दिख रहा है आपको, गिट GUI और गिट बैश, ये दोनों इनेबल हो जाते हैं। हाँ, तो आप ये दोनों की मदद से अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं गिटहब पर। तो गिट बैश मैं यूज़ करूँगा अभी, किस तरह से फाइल को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो कमांड लिखा है बेसिक का, वो खाली लिखना है आपको, जैसे लाइक गिट इनिट, इनिशियलाइजेशन किए हमने, फिर गिट ऐड। अभी ऐड में क्यों क्या करना है, खाली मेरी एक ही फाइल है। हाँ, अभी जैसे मेरी index.html फाइल है, तो index.html, हाँ ये हो गया। मगर आपके पास अभी फॉर एग्जांपल आपके पास पूरी फाइल्स भी है, फोल्डर्स भी है, हाँ बहुत सारे मतलब अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल वगैरह है, तो आपको खाली क्या करना है, एक डॉट डालना है और एंटर मारना है, समझ रहे हो, सिंपल सा एकदम। एक खाली डॉट डालना है
और एंटर मारोगे ना तो मतलब पूरी की पूरी फाइल फाइल फोल्डर वगैरह जो भी एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन के रहेंगे वो सब के सब अपलोड हो जाएंगे। हाँ तो मैं यहाँ पर अभी एक्सटेंशन हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फाइल है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मतलब मैं डॉट ही डाल के दिखा देता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो मतलब हो ही जाएगा, डॉट डाल के दिखा देता हूँ। हाँ ये डॉट डाल दिया, ये हो गया। हाँ फिर उसके बाद क्या करना है, गिट कमिट कमिट एम फर्स्ट कमिट हो गया। फिर से गिट ब्रांच एम मेन ये हो गया। फिर उसके बाद गिट रिमोट एड ओरिजिन https://github.com/farooq1 फिर स्लैश जो हमने वेबसाइट डाला था mfs.website.git बस इतना करके क्लिक करना है। फिर उसके क्या करना है, पुश कर देना है यहाँ पर git push u origin main तो ये हो गया। बस इतना सा कमांड आपको रन करना है। बट मैं और एक चीज़ बताता हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन है इसलिए यहाँ पर मेरे को एक पॉपअप विंडो नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर। जैसे मैं अगर आप जैसे आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम में क्या होगा, पॉपअप विंडो आएगा जहाँ पर आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्फ़िगरेशन होता है पूरा का पूरा। तब जाके ये जो फाइल्स है वो आपको अपलोड होके परफेक्ट मिलेगी, वरना थोड़ा थोड़ा एरर देगा या फिर बार बार आपको वो पॉपअप विंडो आएगा कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो। हाँ तो यहाँ पर हो गया, देख लेते हैं यहाँ पर अपलोड हुई कि नहीं हुई फाइल। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर मैंने डॉट डाला था, जो भी था डॉट में वहाँ पर एक्सटेंशन हो जो भी हो यहाँ पर आके अपलोड हो गया। उसके बाद मैं बताने वाला था कि किस तरह से मतलब इस वेबसाइट को, ये स्टार्टिंग वेबसाइट है इसको लाइव किस तरह से करते हैं। तो उससे पहले मैं अपनी रिपोजिटरी पे आ जाता हूँ जो मैंने पहले किया था, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये भी नहीं है, इससे पहले मैंने अभी किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। माय पेज नहीं, ये नहीं है, गिटहब एमएफएस यहाँ पर डाल देता हूँ, गिटहब इसकी सेटिंग में आके देखते हैं क्या ये है अवेलेबल, दिख रहा तो है नहीं, ये नहीं है। मैंने अभी एक अपलोड किया था, याद नहीं आ रहा कौन सा है, ओवरव्यू प्रोजेक्ट वन माय पेज माय ऑफिशियल, ये भी नहीं है। थ्री कमेंट आ गए हैं इसके ऊपर, रिपोजिटरी माय ब्लॉक टेस्ट को देख लेता हूँ फाइल, डेमो एमएफएस पे नहीं हो रहा, ब्लॉक माय पेज ब्लॉक पे देख लेते हैं। मतलब मैं आपके इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब मैंने पहले ही वहाँ पर कर चुका हूँ, बट आपको शो करना है, देखिए यहाँ पर है, सॉरी टाइम लग गया, मैंने पहले से नहीं करा था सॉरी। तो ये जो है वेबसाइट है क्या है, एमएफएस करके मैंने यहाँ पर रखा है, देखो यहाँ पर गिटहब पे मैंने ये अपलोड किया है, यहाँ पर ये गिटहब पे आप अगर ये स्लैश डाल के करोगे farooq1.github.io/mfs डालोगे तो ये गूगल मतलब आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट जो मैंने अपलोड की है ये आपको दिख जाएगी। बट मैंने अभी आपको करके नहीं बताया कि मतलब किस तरह से होता है। हाँ ये डार्क मोड भी मैंने यहाँ पर रखा हूँ, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। पहले हमने कौन सा किया था,
MFS वेबसाइट। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये इंडेक्स फाइल अपलोड कर दिया है। फिर सेटिंग में आना है आपको, खाली सेटिंग में आके नीचे आना है। कहाँ पर? हाँ, ये गिटहब पेजेस करके है, तो वहाँ पर आके सोर्स कोड के नीचे नन लिखा हुआ है, नन पे आपको खाली मेन पे क्लिक करना है। मेन करने के बाद आपको खाली सेव कर देने का। सेव होने के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लाइक 10-15 मिनट लगेगा। हाँ, तब वो अपने आप खुद ब खुद ये इनेबल हो जाता है। ये URL है ना, आपको इनेबल कर देता है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पर अभी एरर देगा, यहाँ पर थोड़ी देर अभी कुछ टाइम लगता है, उसके बाद ही जाके ये इनेबल होगा। मतलब 10-15 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो जैसे कि मैंने ये किया है, आपको पसंद आया होगा किस तरह से ये फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं और किस तरह से वेबसाइट को यहाँ पर लाइव किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपके डाउट को भी सॉल्व कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।